नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यदि किसी टैक्स पेयर का जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस ही नहीं है, क्या उसका इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है ताकि उसे फ्यूचर में कोई क्रेडिट अलाउ ना किया जाए? इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी पोर्टल पे कोई बैलेंस ही नहीं है, लेकिन बाद में जीएसटी ऑफिसर को पता चलता है कि उसने इससे पहले जो इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया था वो गलत तरीके से अवेल किया था, इसलिए उसके द्वारा जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री कर दी जाती है, जिसके बाद के टैक्स पेयर का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। क्या जीएसटी ऑफिसर ऐसा कर सकता है कि व्यक्ति का बैलेंस ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और उसमें से वो रूल 86A के अकॉर्डिंग इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक कर दे? इसके लिए हाई कोर्ट में केस गया। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पटिशन डाली गई, जिसमें कि कहा गया कि यदि जीएसटी पोर्टल पर व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस अवेलेबल है और जीएसटी ऑफिसर को पता चलता है कि व्यक्ति ने इनपुट एज क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम किया है, तो उस केस में पहले जीएसटी ऑफिसर को राइटिंग में रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे और उसके बाद ही इक्विवेलेंट अमाउंट डेबिट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऐसी कोई पावर जीएसटी ऑफिसर को नहीं दी गई है कि वो जीएसटी पोर्टल पर नेगेटिव बैलेंस दिखा दे, यानी कि उसका कोई बैलेंस ही नहीं है फिर भी डेबिट एंट्री कर दे, इस प्रकार उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नेगेटिव क्रेडिट आ जाएगा और वो फ्यूचर में कोई इनपुट एज क्रेडिट भी अवेल नहीं कर पाएगा। इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता है। इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्ली दी गई कि जीएसटी रूल बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और रूल 86A के अंतर्गत ये लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करता है तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट को डेबिट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। जीएसटी रूल में नहीं लिखा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को मेंटेन करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली एंट्रीज आती रहती हैं हर महीने। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट डेबिट किया जा सकता है जीएसटी पोर्टल पर, भले ही उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जिस दिन ये एंट्री की जा रही है उस दिन कोई बैलेंस नहीं है। दोस्तों, इस केस में रूल 86A को स्टडी किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि यह कहता है कि यदि कोई टैक्स पेयर गलत तरीके से इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करता है तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया जा सकता है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जीएसटी एक्ट ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट को डिसअलाउ कर सकता है, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। इस केस में जीएसटी ऑफिसर को डेबिट एंट्री नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी कि जीएसटी ऑफिसर को सिर्फ लिमिटेड यानी कि प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ किया गया है कि वो टैक्स पेयर को इनपुट एज क्रेडिट यूज़ ना करने दे, क्योंकि इस केस में उसे विद इन लिमिटेड पीरियड जो है वो ऑर्डर पास करना होता है, इसलिए वो यूज़ ना कर सके। इसके लिए वो डेबिट कर सकता है लेकिन डेबिट एंट्री नहीं कर सकता, यानी कि परमानेंटली जो है वो डेबिट एंट्री नहीं कर सकता है व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा क्योंकि डेबिट एंट्री कर दी गई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जिसकी वजह से कि नेगेटिव बैलेंस आ जाता है और इस केस में टैक्स पेयर को फोर्स किया जाता है कि पहले वो जीएसटी पे करे, उसके बाद ही जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइल हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी एडजुडिकेशन से टैक्स पेयर से रिकवरी की जा रही है, जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अलाउ नहीं किया जा सकता। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रूल 86A जीएसटी एक्ट में इसलिए फ्रेम नहीं किया गया कि यदि व्यक्ति ने गलत इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया है तो उसकी रिकवरी की जाए। यदि व्यक्ति के द्वारा गलत इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया गया है या फिर यूटिलाइज किया गया है तो उस केस में जीएसटी एक्ट में सेक्शन 73 दिया गया है और सेक्शन 74 दिया गया है, जिसके अंतर्गत के जीएसटी ऑफिसर को एक्शन लेना होगा। रूल 86A इस रिकवरी के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता।
जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई पावर नहीं दी गई है कि वो जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक रेडी लेजर को नेगेटिवली ब्लॉक कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से तो टैक्सपेयर फ्यूचर में कोई क्रेडिट ही नहीं ले पाएगा। रूल 86A को इन्वोक नहीं किया जा सकता है यदि व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक रेडी लेजर में कोई बैलेंस ही नहीं है। इस प्रकार यदि व्यक्ति का जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक रेडी लेजर में कोई बैलेंस ही नहीं है और उसके बाद जीएसटी ऑफिसर उसमें डेबिट एंट्री कर देता है जिसकी वजह से कि नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इलीगल माना जाएगा, यानी कि विदाउट ज्यूरिडिक्शन। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रूल 86A के अंतर्गत यदि ITC ब्लॉक किया जाता है तो एक टेम्परेरी इमरजेंसी स्टेप है, क्योंकि व्यक्ति ने यदि इन एलिजिबल या फ्रॉडुलेंट तरीके से ITC क्लेम किया है तो उसे यूज़ करने से रोका जा सके। इसे GST एक्ट के अंतर्गत रिकवरी नहीं मानना चाहिए। यदि GST ऑफिसर रिकवरी करना चाहता है तो इसके लिए उसे सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत डिमांड क्रिएट करनी होगी और इसके लिए उसे इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करनी होगी। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा स्टेट के सर्कुलर को भी रेफर किया गया, जिसमें के कहा गया है कि GST एक्ट में क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउ नहीं है, यानी कि आप CGST का ITC SGST को पे करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते और SGST का ITC CGST को पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि स्टेट GST डिपार्टमेंट को रिकवरी करनी है स्टेट GST की क्रेडिट की, तो उस केस में वो CGST के बैलेंस को यूज़ नहीं कर सकता है, और यदि CGST की रिकवरी करनी है तो उस केस में SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रूल 86A की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक और फार रीचिंग होती हैं, क्योंकि इससे टैक्स पेयर का बिजनेस इम्पैक्ट होता है। इसलिए GST ऑफिसर को चाहिए कि इन पावर को सिर्फ रेयर केसेस में ही यूज़ करे और इसे यूज़ करने के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रूल 86A की पावर को GST ऑफिसर को इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि एसएससी हरास हो या फिर उसके बिजनेस पे कोई डिटर्मिनेंटल इफेक्ट हो, यानी कोई बुरा प्रभाव पड़े। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रूल 86A की पावर को एक्सरसाइज करने से पहले, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करने से पहले GST ऑफिसर को इंश्योर करना है कि टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होना चाहिए। यदि बैलेंस अवेलेबल है तो उस केस में भी क्रेडिट तभी ब्लॉक किया जा सकता है यदि GST ऑफिसर के पास रीज़न है राइटिंग में रिकॉर्ड किए हुए, उस केस में भी उतना ही अमाउंट जो है डेबिट का अलाउ नहीं किया जा सकता जितना कि अमाउंट व्यक्ति ने गलत तरीके से अवेल किया था। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा टैक्स पेयर की अपील को अलाउ कर दिया गया और जितना अमाउंट GST का डिपॉजिट किया था टैक्स पेयर ने प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा था GST पोर्टल पर, उसे रिफंड करने के लिए कहा गया GST डिपार्टमेंट को। दोस्तों, यदि आप सी एस सतबीर सिंह चैनल के मेंबर हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी टैब पे जाके आप इस जजमेंट की साइटेशन रेफ़र कर सकते हैं। यदि आप मेंबर नहीं हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पे जाके आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है जिससे कि आप GST और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए GST और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।